मुझे प्यार हो गया है, सिर्फ दिल से दिल का नहीं, आत्मा से कनेक्शन हुआ है, सोल टू सोल कनेक्शन। और भाभी यही है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। अरे प्राची बहू, तू यहाँ आके बैठी है? ओहो, अब यहाँ क्या हो गया? बाहर तो तूने इतना बड़ा अपशगुन कर ही दिया और तू यहाँ आके बैठ गई, क्या हुआ? दीदी उसने जानबूझ के थोड़ी ना किया। तू फिर बीच में बोली? अरे कौन जानबूझ के अपशगुन करता है, लेकिन हो गया ना तो उसे ठीक तो करना है ना, और जल्दी करना है, और ये यहाँ आके बैठ गई है। प्राची बेटा तुम ठीक हो? जी वो बाहर वो मैं। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, गलती किसी से भी हो सकती है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तूने लड़की का स्वागत करना था ना, इतनी सारी तैयारियां की थी उसके स्वागत के वास्ते, ढोल ताशे बैंड बाजा फूल सजावट सब कुछ पानी में मिला दिया, इसीलिए किया था ना ताकि हम धूमधाम से उसका स्वागत कर सके। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे इस घर में मैं लौट के आऊंगा, स्वागत करोगी प्यार और इज्जत के साथ। भाभी क्या हुआ? भाभी कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ना, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कोई और बात है क्या बेटा? अरे बोल ना बहू, लड़का खड़ा है दरवाजे पे, स्वागत करना है उसका। भाभी से समथिंग। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं। तो फिर बाहर क्या हुआ? और यहाँ यहाँ क्या हुआ? बाहर चक्कर आ गए थे मुझे बाहर। ओहो, इतनी छोटी सी बात पे? कोई बात नहीं, हम दूसरी थाली तैयार कर लेंगे, फिर से स्वागत कर लेंगे। बुआ जी ने कहा है ना, कोई अपशकुन नहीं होगा, चिंता मत करो। अरे तो आरती का थाल तो बनाओ जल्दी, चलो। मैं हेल्प कर देती हूँ, कहाँ है? हाँ तू कर, और मनप्रीत तू भी लग जा। हाँ अब और कोई स्यापा नहीं होना चाहिए। जी, जी। चलो जल्दी करो। जी जी जी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे इस घर में मैं लौट के आऊंगा, स्वागत करोगी प्यार और इज्जत के साथ। जाओ यहाँ से। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आई मीन मेरी जिंदगी चाहती क्या है मुझसे? घूम फिर कर मैं वापस प्राची के पास, प्राची के सामने, और अब ये पक्का सोचेगी कि यहाँ पे मैं चैलेंज की वजह से आया हूँ। सब कुछ वैसे ही तो है, बैंड बाजा फूल सजावट ये धूमधाम। हे भगवान, इसको पक्का यही लगेगा। लेकिन अक्षय, हम कल कैसे आ पाएंगे? क्यों? मेरी और रणबीर की भी कल शादी है। एक मिनट रुक, मैं बात करता हूँ। प्लीज गॉड, अब ये क्यों आ रहे हैं मेरे सामने? इनको क्या जवाब दूं, कैसे हैंडल करूं इनको? क्यों रणबीर, क्यों तेरे दिमाग में पहले नहीं आया कि उस रात मीका तुझे इसी घर में लेके आई थी? तब क्यों नहीं सोचा? अरे पर सोचता कैसे ये सब? मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूं कि मुझे लगा कजन वजन होगी। फिर खुद से झूठ बोल रहा हूं। सच तो ये है कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं था, मैं तो बस उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, दैट्स इट। अब मेरी हेल्प कौन करेगा? मुझे कौन बचाएगा मिस्टर टंडन से? थैंक गॉड बच गया, पर अब क्या करूं? मैं क्या किया सी? मुन्ना तो बड़ा ही हैंडसम है। अरे हुआ कि नहीं? बस दीदी, मुझे पता है रणबीर यहाँ क्यों आया है, चैलेंज देकर गया था ना, उसी चैलेंज के लिए आया है, ये सब कर रहा है, इसीलिए उसने मीका को फंसाया ताकि इस घर में आए और मैं उसका स्वागत करूं। सीरियसली रणबीर, एक स्टूपिड से चैलेंज के लिए तुम ये सब कर सकते हो?
तुम मीका की फीलिंग्स के साथ खेल कैसे सकते हो? मीका इनोसेंट है, उसका दिल इतना मासूम है, और तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रहे हो ये सब? ऑलरेडी बेचारी के पास में इतना कुछ हो चुका है, वो इतनी परेशान है, और अब उसके साथ ये करना सही नहीं है। मुझे मीका से बात करनी पड़ेगी। हाँ, मैं मीका से बात करूंगी। मीका सुनो, तुमसे बात करनी है 2 मिनट। हाँ, किस लिए? लड़का बाहर खड़ा है दरवाजे पे, अभी ये करना जरूरी है। मीका तू यहाँ ध्यान दे, आरती का थाल तैयार कर। बुआ जी, मुझे ना उसे कुछ बताना है, कुछ बात। बोला ना, अभी ये जरूरी नहीं है, अभी कुछ और करना जरूरी है। मेरी बात भी जरूरी है बुआ जी। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? दीदी अब बेटा, मीका भी इधर है, तुम भी इधर ही हो, पहले लड़के का स्वागत कर ले, फिर बाद में बात कर लेना। हाँ चलो बेटा। हाँ बस थोड़ी सी देर भाभी। घी का डब्बा ला रहा है ना स्टोर रूम से, नया वाला। चलो मीका ले आते हैं। बट भाभी घी तो है यहाँ। है, पर ये तो किचन वाला है ना, भगवान के लिए हम अलग यूज करते हैं, नया वाला तो स्टोर रूम में रखा नया पैक। चलो 2 मिनट लगेंगे, भूले तुम। चलो ना, मैं बताती हूँ। चलो आजा आजा जल्दी। इस लड़की को हो क्या क्या, अजीब सा बर्ताव किए जा रही है। दीदी गलती से उसके हाथों से थाल गिर गई ना, तो घबरा गई है। अरे तू चल अभी छेती कर, चल थाल ले ले, चल इधर आओ जल्दी। भाभी आर यू श्योर ये फ्रेश घी के बारे में? प्लीज जस्ट टेल मी व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है? मीका मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या? वो बाहर मीका, तुम जिस चल मेरे साथ। अक्षय मुझे ना मीका से बात करनी है, प्लीज बहुत जरूरी है। अभी मुझे मीका से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी, तू चल मेरे। सुनो तो, लेकिन अक्षय सुनो तो एक सेकंड, मैं मुझे कुछ बोलना है। प्राची प्लीज समझो, ये पहले ही बहुत गलतियां कर चुकी और मैं इसे और गलतियां नहीं करने दूँ। एंड डोंट वरी, मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगा, चिल्लाऊंगा नहीं। और प्राची अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसके लिए कंसर्न्ड हूँ, इसे प्यार करता हूँ, इसलिए। पता है मुझे, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए भाई बहन को बात करने दो। चलो मेरे साथ। अक्षय सुनो तो, अक्षय मेरी बात सुनो। प्राची सब बाद में, बात करनी। मीका क्या है सब? अब क्या हुआ भाई? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों क्यों? क्योंकि वो लड़का जो तेरे साथ आया है, वो लड़का जो बाहर खड़ा है, उस लड़के का ऑफिस हमारे ही कॉम्प्लेक्स में। हाँ हाँ, उसने मुझे बताया था, मुझे पता है, बट मैंने उसे नहीं बताया था कि आप मेरे भाई हो, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो आपसे मिलने वाला है। पर तू उसके साथ क्यों है? उसके साथ क्यों? एक सेकंड, आप उसको लाइक नहीं करते हो और आप चाहते हो मैं उसके साथ ब्रेकअप करूँ, राइट? मैं कैसे ब्रेकअप कर लूँ भाई? वो भी इसलिए क्योंकि आप उसको लाइक नहीं करते हो, या फिर इसलिए क्योंकि उसका ऑफिस आपके ऑफिस के प्रेमिसेस में है और आप उसे जानते हो? वो बहुत अच्छा इंसान है भाई, अगर वो इंसान मेरे लाइफ में नहीं होता ना, तो मैं आज आपके सामने नहीं खड़ी होती। मेरा बहुत ख्याल रखता है वो भाई, उसने हर दुख में मेरा साथ दिया है। दुख मतलब अकेलापन भी होता है, वो मेरे अकेलेपन में मेरे साथ था। उससे बेस्ट बॉयफ्रेंड तो कोई हो ही नहीं सकता है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। यहाँ तक कि जब मुझे भूख लगती है तो वो मुझे इमिजिएटली ले जाता है बेस्ट रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाने। He is really the best, उसकी अच्छाइयाँ गिनाने जाऊँ? मीका वो लड़का शादीशुदा है। That guy is married, शादी हो चुकी है उसकी, समझ आ रहा है तुम्हें? तुम जानती हो उसकी हिस्ट्री क्या है? मैं बताता हूँ। लेकिन अक्षय हम कल कैसे आ पाएंगे? क्यों? मेरी और रणबीर की भी कल शादी है। शादी हो चुकी है उसकी, अब समझ में आया तुम्हें? हाँ हाँ समझ में आया भाई, बट आपको आधी स्टोरी पता है, आपको पूरी बात तो पता ही नहीं है। मीका देखो, ये कोई प्यार व्यार नहीं, ओके? इसे सिर्फ एक रिबाउंड कहते हैं। अपने पुराने रिलेशनशिप से निकलने के लिए तुम्हें इस रणबीर से प्यार हो गया, लेकिन ये कोई ट्रू फीलिंग्स नहीं है, कोई सच्चा प्यार नहीं है। और मुझे लगता है कि वो पुराना वाला लड़का, हम कब तक उस लड़के की बात करते रहेंगे भाई? अब मैं किसी और के साथ हूँ,
आपको इसकी बात करनी है तो आई विल टॉक, आई विल डेफिनेटली टॉक, बट उस लड़के की बात मैं नहीं कर सकती, आई एम अनकंफर्टेबल। मीका बेटा, लेकिन उससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना? नहीं बदल जाती, राइट? देख, कोई भी रिश्ता बिना स्ट्रॉन्ग बेस के कभी नहीं चलता, और मैं समझता हूँ ये रिबाउंड की जो फीलिंग होती है वो बहुत अलग होती है, लेकिन ऐसे रिश्ते आगे जाके कभी सक्सेसफुल नहीं होते, और शादियां, ऐसी शादियां कभी नहीं चलती। मेरी बात पर। तो प्राची भाभी के साथ आपका रिश्ता, वो भी तो रिबाउंड है। प्राची भाभी के लिए आप रिबाउंड ही हो। जब आप मुझे ऐसा रिश्ता नहीं रखने दे रहे, तो आपने प्राची भाभी को अपने साथ ऐसा रिश्ता क्यों रखने दिया? ऐसा पेसलेस विदाउट फीलिंग्स वाला रिश्ता? अक्षय, क्या बदतमीजी है ये? मॉम, आई स्वेयर ये लड़की मीका ना सच में पागल है। मुझे लगा था इमोशनल होके ऐसे बड़ा चढ़ा के बोल रही है, पर इसने तो सच में इतने सारे लोगों को बुला रखा है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, और वो पागल बॉयफ्रेंड जो किसी और की मांग में सिंदूर भर रहा है। क्या है? क्यों आए हो यहाँ? हाँ, क्यों आए हो तुम रणबीर? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? और क्या वजह हो सकती? किसके लिए आए होंगे तुम यहाँ? मुझे पता है तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए हो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ, बट नो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। तो प्लीज खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। मैंने मना किया था ना, कहा था ना ये घर मेरा है, यहाँ कभी मत आना। तुम्हें यहां से जाने को कहा था ना मैंने, तो फिर क्यों आए हो? मुझसे बदला लेने आए हो? सोचो, यही सोचो कि मैं तुमसे यहां पे बदला लेने आया हूं। एक्सक्यूज मी, मेरे पास एक लाइफ है जिसमें बहुत सारे काम है, सिर्फ तुमसे बदला नहीं लेना है। निया, ये वही लड़का है ना जो वहां पे उस शादी की रात था? हाँ यार, ये तो वही है। ये तो मुझे बड़ा हैंडसम लगा था। था क्या होता है, हैंडसम है अभी भी है, इनफैक्ट अभी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। इसकी हल्की हल्की सी दाढ़ी इस पे कितनी सूट कर रही है। हाँ यार, ये कितना कूल है। और ये कूल लूड हमारी मीका को मिला है। लकी मीका, पूछेंगे उससे, उसने ऐसे कौन से 16 सोमवार पर टाइप रखा था इस कोल्ड डोट के लिए। दिव्या, 16 तो छोड़, मैं 32 सोमवार कर लूंगी। बस ऐसा बंदा मिलना चाहिए लाइफ में। कसम से यार, अब बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा हो, इससे कम में तो सेटल नहीं होना है। तुमने तो रिया से शादी की थी, तो तुम मीका के साथ कैसे हो? एक स्टूपिड से चैलेंज के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो? तुम्हें बस यही चाहिए ना कि मैं तुम्हारा स्वागत करूं, राइट? तो देखो, आ गए तुम यहाँ मेरे सामने, वही कर रहे हो जो तुमने कहा था। सिचुएशन ऐसी बना दी तुमने कि मुझे तुम्हारा स्वागत करना पड़ा इस घर में, हमारी लाइफ में। सीरियसली रणबीर, ये सही नहीं है। भाभी, बुआ जी ने मुझे कहा है कि मैं आपसे कह दूं कि आरती का थाल रेडी है, तो वो आप लेके आ जाओ। और हाँ, उसमें देसी घी भी है, ये भी उन्होंने मुझे बोलने को कहा था। मैं मीका को सब बता दूंगी, सारा सच, तुम्हारा सच, सब बता दूंगी। बाहर चला जाऊं क्या? यहां तो बहुत अजीब लोग हैं। खड़े रहना ना, बाहर जाना ना अंदर आना। बाहर जाना भी अब सगुन, अंदर आना भी। अंदर आना तो आरती से, पक्के
के शगुन से। विशाखा जी रीति रिवाजों में बहुत विश्वास करती, बिना आरती के वो आपको अंदर नहीं आने देंगी। वो तो मैं देख ही सकता हूँ। ओए ऐसे ना खड़ा हो पुत्र, जैसे नुक्कड़ विच मुंडे खड़े होंदे। आंटी मुझे ना ऐसे खड़ा रहना बहुत पसंद है। अरे इनका मतलब है थोड़ा ढंग से खड़े हो ना, मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लगता। पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे खड़ा रहना, क्या करूं? मैनू बड़ा चंगा लगे है। मैं ऐसे खड़ा हूँ ना तो मेरे दिल को ना बड़ा सुकून मिल रहा है। हैं सच्ची मुच्ची तू ऐसे कर कैसे सकता है? तेरी बहन है ये बराबरी की, कोई छोटी बच्ची नहीं है जिसके ऊपर तू हाथ उठाएगा। तू ऐसा करने का सोच भी कैसे सकता है? मॉम गलती मेरी नहीं है, गलती इसकी है। आप जानती भी नहीं है कि इसने प्राची और मेरे रिश्ते के बारे में क्या बोला है। इसने कहा कि प्राची और मेरा रिश्ता एक रिबाउंड है, हमारा रिश्ता बेसलेस है। इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तो क्या गलत बोला मैंने? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि प्राची भाभी बुरी है। She is great, I love her, वो मुझे समझती है। पर आप भाई, आपने आज तक अपने खुद की बहन को नहीं समझा। इमेजिन मेरे हर डिसीजन पे सवाल उठाते हैं आप, और सिर्फ आज से नहीं बचपन से। हाँ उठाता हूँ सवाल, और जानती है क्यों? क्योंकि मैं हर बार सही होता हूँ और तू हर बार गलत। हर बार तेरी गलती होती, और लड़का चुनने में तो हमेशा गलती होती होती है या नहीं? और मॉम मुझे लड़का बाहर खड़ा है ना, वो मेरी वजह से नहीं खड़ा है, वो खड़ा है इसकी वजह से, इसकी गलत चॉइस की वजह से। आप जानती है उस लड़के के बारे में, उसकी हिस्ट्री जानती है आप? उस लड़के की शादी हो चुकी है मॉम, ही इज मैरिड। और अब तो मुझे लगता है कि उसकी शादी हो गई है इसीलिए वो यहाँ खड़ा है। क्या? एग्जैक्टली क्योंकि मीका मैं तुझे जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और तू हमेशा ऐसे ही करती क्योंकि तू एक नंबर की बेवकूफ है। पता नहीं कहां कहां से ऐसे लड़के ढूंढ के लाती है जो कमिटमेंट नहीं दे सकते। और मीका जो इंसान, जो लड़का कमिटमेंट नहीं दे सकता वो फेक होता है। अपनी आंखें खोल और समझ। और पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इन लड़कों में है ही नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे ये छोटी सी बात समझ नहीं आती, तो गलती तेरी, सिर्फ तेरी। अक्षय मॉम आप समझ नहीं रही। मुझे लगा था कि आज एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है जैसे पिछली बार हुआ था। इनफैक्ट हो ही गया था ना। पूछिए अपनी बेटी से, आज भी वो लड़का आने नहीं वाला था। आपकी बेटी गई थी उस लड़के को लेने के लिए। मुझे तो लगा था कि आज भी कोई नया तमाशा होगा, एक नेक्स्ट लेवल तमाशा। बस चुप कर, बहुत हो गया। होगा 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 क्या होगा? हाँ कुछ हुआ है क्या? जब कुछ हुआ ही नहीं तो बोल क्यों रहा है? मॉम तुझे दिख नहीं रहा है, वो लड़का घर तक आ चुका है, दरवाजे पर खड़ा है। अब कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं, अब जो कुछ भी बोलेगा सब बर्बादी करेगा। इसलिए शांत हो जा और चल उसके स्वागत के लिए। तेरी बुआ ऑलरेडी प्राची को लेके जा चुकी है, हम सबका वेट हो रहा है। और कोई बहस नहीं, बस मीका तू चल, तेरी बिना उसको घर के अंदर थोड़ी ला सकती हूँ। अक्षय अक्षय जिद नहीं करते बेटा। अरे आज शादी थोड़ी हो रही है दोनों की, तुझे बहुत समय मिलेगा उसे जानने का। अच्छा मेरी बात सुन, अगर तुझे बाद में लड़का समझ में नहीं आया ना तो मना कर देना। मॉम मुझे उस लड़के को जानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ उसको। तो फिर से जान ले, अलग नजरिए से जान ले, अपनी बहन के नजरिए से जान ले। मीका उसे लाई है यहाँ हमसे मिलाने, और वो आया भी है हम सबसे मिलने, और हमने उसको बाहर खड़ा कर दिया। कैसा लगता है? और बाहर सब लोग देख रहे हैं, तमाशा थोड़ी करना है हमने। तू उसे अंदर तो ले आ बेटा, चल। मॉम प्लीज आप बोलो ना भाई को, ठीक से बिहेव करें। बिहेव करें? वो भी ठीक से? किस तरह से बिहेव करूं वो भी बता देना। नहीं कैसे गलत बिहेव किया मैंने बता। बिना बोले भी बहुत चीजें बोली जाती है भाई, और आप उसमें बेस्ट हो। मतलब ऐसा मुंह बना के मिलोगे तो उसको कैसा फील होगा भाई? बहुत इंसल्टिंग लगता है, मुझसे पूछो। आधे टाइम तो आप मेरे साथ भी ऐसे ही। तू एक काम करना, तू मुझे बता दे तू चाहती क्या है। वो लड़का बाहर खड़ा है, मैं उसके पैर छू, उसके पैर पड़ू, जाके बिछ जाऊं उसके पैरों के आगे? हाँ देखा मॉम, देखा आपने कैसे बिहेव करते हैं मेरे साथ। अब ब्लेम करेगी तो मैं जवाब तो दूंगा ना। जवाब ऐसे देते हैं तो तू सिखाएगी मुझे? हाँ आई विश। मीका प्लीज डोंट गो देयर। बस करो, चुप हो जाओ दोनों। अक्षय तू बता,
तू क्या कहना चाह रहा है? तू चाहता क्या है? What? Mom, आप इनसे पूछ रहे हो उनको क्या चाहिए? आपको मेरी बात सुननी चाहिए। मैं तुझसे भी बात कर लूंगी, पहले अक्षय तू बता। मॉम मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो ये लड़का बाहर खड़ा है ना रणबीर, ये इसे जबरदस्ती लाई है यहाँ पर, जल्दबाजी में और कुछ नहीं। और रियली? और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू मुझे गलत प्रूव करना चाहती है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तेरे एक्स बॉयफ्रेंड के लिए तुझे वार्न किया था, तो बस मुझे गलत प्रूव करना था, इसलिए उठा के ले आई इस लड़के को। भाई आप सुन भी रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? अगर ऐसी बात होती तो मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता कि मैं किसी को भी उठा के बोल दूं कि मेरा बॉयफ्रेंड बनो और चलो मेरे साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा है यू आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ मी। व्हाट मॉम, आप सुन रही, ये कैसी बातें कर रही? मॉम मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए, ये जो बोल रही है ना कि इसका रिलेशनशिप है इस लड़के के साथ, ये सब झूठ है। और मॉम मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो भी कुछ हो रहा है ना घर, इससे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मार्क माय वर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम प्लीज आप इनसे बोलो ना ठीक से भी। ओहो शांत हो जाओ अभी बस। अक्षय मैं जानती हूँ तुझे चिंता है मीका की, लेकिन अगर चिंता किसी के लिए इल्जाम या शिकायत लगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। तेरे माइंड में जो भी शंका है ना रणबीर को लेकर, उससे बात कर, फिर डिसाइड कर ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है या नहीं।